हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल वुमन बॉस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब की वीडियो आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आज जो लोग लैपटॉप से करना चाहते हैं वो इस ट्रिक को अपना के लैपटॉप से भी कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ लैपटॉप में होगी वही चीज़ आपके मोबाइल में होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल एक एक चीज़ बताऊँगा, आपको किस तरीके से थंबनेल लगाना है, किस तरीके से आपको एंड स्क्रीन लगाना है और भी इसमें बहुत कुछ। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर सर्च बॉक्स में जो कि वेब एड्रेस होता है वहाँ पे आपको डालना है studio.youtube.com। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ studio.youtube.com। उसके बाद आपको इसको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे टाइप हो जाता है। जैसे आप एंटर कर लेते हैं उसके बाद आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो वाला ऑप्शन जो नीचे दिख रहा है इस पर आपको टैप कर देना है। कंटिन्यू टू स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद आपका पेज यहां पे लोड होगा। आपका बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह यहां पे पेज खुल जाएगा, जैसे डेस्कटॉप में खुलता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आप इसमें पूरे इंटरफेस देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे दिख पा रहा है, पहले नंबर पे, क्रिएट के नीचे पहले नंबर पे अपलोड वाले ये वाले ऑप्शन है, इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो एक और यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। नीचे एक ब्लू कलर वाले पे क्लिक कर सकते हैं और अपलोड वाले जो लोगो है उस पर क्लिक करके यहाँ पे अपनी फाइल चूज कर सकते हैं, जो भी आपने फाइल बना रखी हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऊपर तीन डॉट होते हैं, तीन डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आप फाइल जो जहाँ पे भी हो, आपकी फोल्डर जहाँ पे भी हो, आप अपने फ़ोन मेमोरी में जाके अपना फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने वो वीडियो डाल रखी हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले फोल्डर में यहाँ पे डाल रखी है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ये अपलोड हो रही हो उस समय अब आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आपने अपने नोट्स बनाए हों, मतलब कि पहले हम बनाते हैं टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने बना रखे हैं टाइटल के लिए अलग है, डिस्क्रिप्शन जो जो मुझे लगाना है वो अलग है। तो मुझे क्या क्या लगाना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल पे, यहाँ पे जो मैंने बना रखा था पहले से, टाइटल पे क्लिक करके टाइटल मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये तीनों मेन होते हैं, मैंने पहले से बना रखे हैं एक नोट्स में। ये भी आपको भी बनाने आने चाहिए और बना लेने चाहिए, क्योंकि उससे आसानी रहती है। लास्ट में बस अपलोड के समय आपको कॉपी पेस्ट ही करना होता है। यहाँ पे मैं टाइटल पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे टाइटल पे पेस्ट कर दिया। मेरा यहाँ पे ये जो टाइटल है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन जो मैंने बना रखा है उससे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइटल जरूर लिखिए, क्योंकि इससे वीडियो आपकी रैंक करेगी। यहाँ पे जैसे टाइटल के नीचे ये वाला डिस्क्रिप्शन में भी आप टाइटल लिखते हैं तो आपकी वीडियो रैंक करती है। उसके बाद आप अपने यहाँ पे जो भी आपने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा हो, वेबसाइट, वेबसाइट जो भी लिख रखा हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करिए। और यहाँ पे सम क्वायरी करके आप अपने टैग्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपकी वीडियो की रैंकिंग यहाँ पे बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं यहाँ पे देख सकते हैं सम क्वायरी, और यहाँ पे देख सकते हैं योर क्वायरी लिख के, और वेबसाइट के लिंक जो मैंने उस वेबसाइट में दिया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे की साइड सिंपली आ जाना है। नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट अगर आपके इसमें ऐड हो उसी में अपलोड करना चाहते हैं उस वाली प्लेलिस्ट में। जैसे मैंने अलग अलग कैटेगरीज वाइज इसमें प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपकी इस कैटेगरीज में है तो ठीक है, वरना अगर नई प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं तो नीचे टैप करके न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप इसमें प्लेलिस्ट का कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन वर्क रिलेटेड ये नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे बना के और उसी में आपको अपलोड करके बताता हूँ कि वो के आपकी अपलोड कैसे होगी। जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन वर्क पे क्लिक कर देता हूँ, ये टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन आएगा नीचे, मैं सिंपली इस पर टैप करके इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे आप क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे मेरी ऑनलाइन वर्क वाली ये रिलेटेड हो गई है। अब मैं इस पर टिक करके, ये ब्लैक कलर का टिक करके डन कर देना है। जैसे आप डन करेंगे तो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अब नीचे की साइड आते हैं तो एक ऑप्शन आता है शो मोर का, जहाँ पे आपको अपने टैग्स लगाने होते हैं। टैग्स से ही आपकी वीडियो रैंकिंग होती है, उसी से आपकी वीडियो का पता चलता है किसके बारे में आप वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने टैग्स लगा रखे हैं यहाँ पे। टैग्स बनाने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप टैग्स बनाएं तो उसमें कॉमा जरूर लगाएं, कॉमा बनाने से वो सही तरीके से मैनेजमेंट हो जाता है, वरना वो एक टैग लगेगा बिल्कुल वो आपका टैग नहीं होता है। कॉमा लगाने से आपके वो पार्टीशन में बढ़ जाता है, जो कि टैग्स चाहता है कि हमारे पार्टीशन में ही टैग लगे। जैसे मैंने कॉमा लगा लगा के ये टैग्स बना रखे हैं कुछ। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने टैग्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं।
उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपका ये वाला ऑप्शन नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक है कि नहीं, क्योंकि ये करना भी आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे थंबनेल वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये अपलोड थंबनेल, इस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो भी आपने थंबनेल बनाया हो वो आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना थंबनेल जो भी बना रहा हूँ, मैं रिसेंट में जाता हूँ और यहाँ पे थंबनेल जो भी मैंने बनाया था इस वीडियो के लिए वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे थंबनेल यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड, मैंने अपना थंबनेल सेलेक्ट कर लिया है, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद आपको यहाँ पे ये अपना जो जूम आउट कर रखा है ये आपको सही तरीके से कर लेना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे जिन लोगों का मोनेटाइजेशन है वो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जिन लोगों का नहीं है वो वाला ये ऑप्शन नहीं आता है। जो शुरू शुरू में वर्क करते हैं उनका ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, ना ही ये वाला एड सूटेबली का आएगा। अगर आपका एड सूटेबली का ऑप्शन आता है इस नीचे टिक करके और एड्स सबमिट रेटिंग इसको कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट रेटिंग इसको कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐड एंड स्क्रीन वाला ऑप्शन आएगा। एंड स्क्रीन को ऐड करने के लिए ऐड बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे एंड स्क्रीन कोई सी भी चूज़ करके यहाँ पे एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, ताकि वीडियो के एंड के जो 20 सेकंड होते हैं वहाँ पे आपकी वीडियो, दूसरी जो भी वीडियो हो वो आपकी दिख सके। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे ये एंड स्क्रीन सेव हो जाएगी। इसी तरीके से आप अगर कार्ड लगाना चाहते हैं, ऐड कार्ड लगाना चाहते हैं तो ऐड कार्ड भी कर सकते हैं। आप नेक्स्ट के बटन पे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे, पब्लिक और यहां पे शेड्यूल वगैरह, तीन चार ऑप्शन यहां पे दिख जाते हैं। मैं यहां पे शेड्यूल इसलिए प्रेफर करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक घंटे बाद अपने आप अपलोड हो जाए या एक दिन बाद अपलोड हो जाए। पब्लिक वाले भी ऑप्शन रहता है यहां पे, लेकिन मैं पब्लिक वाले ऑप्शन पे अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन बाद अपलोड हो, शेड्यूल वाइज इस वीडियो को लगाना चाहता हूं। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे अपना दिन चूज़ करना है कि आप किस दिन लगाना चाहते हैं, और टाइम यहां पे चूज़ कर सकते हैं कि आप किस समय, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, अपने आप अपलोड हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। मैं यहाँ पर टाइम भी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। शेड्यूल वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही जो मैंने टाइम सेलेक्ट करा है और यहाँ पे जो दिन सेलेक्ट करा है अपने आप ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। जो लोग पब्लिक करना चाहते हैं वो तुरंत के तुरंत पब्लिक वाले ऑप्शन पे तुरंत के तुरंत अपलोड हो जाती है, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर शेड्यूल वाले ऑप्शन पे करता हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है शेड्यूल वाले ऑप्शन से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।